Don't forget to subscribe and press the bell icon for new updates. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही अहम चीज़ जिसको कहते हैं टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर। खर्चों की टाइप्स। हमारा जो फोकस है आज वो डिस्कस करना है कि हम एसेट की कॉस्ट को कैलकुलेट किस तरह करेंगे। और मेरे दोस्तों, जब भी मैं एसेट की बात करूंगा तो मैं फिक्स्ड एसेट की बात करूंगा, और फिक्स्ड एसेट में भी कौन सी टाइप, फिक्स्ड टेंजिबल एसेट की बात करूंगा। जिस तरह हमने पीछे जिक्र किया कि हमारा फोकस किस पर होगा, फिक्स्ड टेंजिबल एसेट पर होगा। तो आज हमारा जो मेन मोटिव है वो ये समझना है कि हम एसेट की कॉस्ट को किस तरह कैलकुलेट करें। उसको समझने से पहले हमें ये टॉपिक समझना पड़ेगा जो कि है टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर। दो किस्म की टाइप्स होती हैं एक्सपेंडिचर की, एक कहलाती है कैपिटल एक्सपेंडिचर और दूसरी कहलाती है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक कहलाती है कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक कहलाती है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो हम समझते हैं कि ये दोनों क्या है और इसकी जरूरत क्या है इस टॉपिक में। कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसे एक्सपेंडिचर, ऐसे खर्चे जो एसेट को खरीदने से लेकर उसको प्रोसेस में लाने तक और उसकी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए या उसको उसकी लाइफ को बढ़ाने के लिए खर्चे किए जाएं, वो क्या कहलाते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। आई रिपीट, एसेट को खरीदने से लेकर उसको प्रोसेस में लाने तक वो खर्चे, या फिर एसेट की परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए खर्चे किए जाएं, या फिर उसकी लाइफ को बढ़ाने के लिए खर्चे किए जाएं, वो क्या कहलाते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। जब हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, अभी मैं डेफिनेशन भी आपको शो करूंगा, तो डेफिनेशन में क्या है, डेफिनेशन में है कि वो तमाम खर्चे जो एसेट के लिए मटीरियल है। सर क्या मतलब, एसेट के लिए इम्पॉर्टेंट है, एसेट की कॉस्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है, मटीरियल है, वो क्या कहलाता है मेरे दोस्तों, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। कौन सी कॉस्ट, वो कॉस्ट जो मटीरियल हो। मटीरियल का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट, वो कॉस्ट जो इम्पॉर्टेंट हो, जिसके बगैर गुजारा नहीं है, वो करना ही करना है, वो क्या कहलाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपोर्टेशन, आपको ये खर्चा करना पड़ेगा। आपने मशीन खरीदी है, आप बगैर ट्रांसपोर्ट के काम नहीं चल सकता आपका। उसी तरह इंस्टॉलेशन चार्जेस, उसी तरह अगर बाहर मुल्क से चीज़ खरीदी है, इंपोर्ट की है, तो इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, ये तमाम खर्चे क्या कहलाते हैं, मटेरियल कॉस्ट कहलाते हैं, जिनके बगैर गुजारा नहीं हो सकता, वो करने ही करने हैं, वो एसेट की कॉस्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो एसेट की कॉस्ट के लिए मटेरियल है। उसी तरह आपने एसेट खरीदा है तो आपने सप्लायर को पैसे भी देने हैं, जिससे आपने माल खरीदना है, वो भी कॉस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसी तरह सेल्स टैक्स, तो ये तमाम चीज़ें, ये तमाम खर्चे क्या कहलाते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। और कैपिटल एक्सपेंडिचर
एसेट की कॉस्ट में शामिल हो जाते हैं। आई रिपीट, कैपिटल एक्सपेंडिचर एसेट की कॉस्ट में शामिल हो जाते हैं, क्योंकि ये मटेरियल है, ये इम्पॉर्टेंट है, अगर इसको शो नहीं करेंगे तो आपकी कैलकुलेशन ख़राब हो सकती है। तो ये तमाम कैपिटल एक्सपेंडिचर्स जो है एसेट की कॉस्ट में ऐड किए जाते हैं, इंक्लूड किए जाते हैं। अच्छा जी, अब बात करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। वो तमाम एक्सपेंडिचर जो इमटीरियल हो एसेट की कॉस्ट के लिए, गैर अहम हो, इम्पॉर्टेंट ना हो, वो क्या कहलाते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसको हम रेगुलर एक्सपेंसेस भी कहते हैं, जिसको हम रेगुलर एक्सपेंसेस भी कहते हैं, या फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी कहते हैं। ये क्यों किया जाता है मेरे दोस्तों? ये एसेट की मेंटेनेंस के लिए किए जाते हैं कि मेंटेन रहे। यानी मिसाल के तौर पर आपके पास बाइक है तो आपने ऑयलिंग कर दी, मेंटेन रहे बाइक, तो ये तमाम खर्चे क्या कहलाते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जिस तरह कैपिटल एक्सपेंडिचर मटेरियल कॉस्ट, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? इमटीरियल कॉस्ट, वो कॉस्ट जो गैर अहम है, जो इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो क्या कहलाती है मेरे दोस्तों? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाती है। कैपिटल एक्सपेंडिचर को हमने ऐड किया, हम इंक्लूड करेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, हम ऐड नहीं करेंगे। सर क्या लेस करेंगे? नहीं, लेस भी नहीं करेंगे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को एसेट की कॉस्ट में कहीं दिखाना ही नहीं है, ना ऐड करके ना लेस करके। हम कैपिटल एक्सपेंडिचर को ऐड करते हैं एसेट की कॉस्ट में, जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का कोई ताल्लुक नहीं होता। यहाँ तक तो बात हमें समझ आ गई। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है भाई? कैपिटल एक्सपेंडिचर आपको साल के बाद भी फायदा पहुँचाता है। ऐसा एक्सपेंडिचर है जो आपको साल के बाद भी फायदा पहुँचाता है, जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? वो इसी साल फायदा पहुंचा के खत्म हो जाता है, फना हो जाता है। अगर मैं एक रेफरेंस दूं कॉस्टिंग का, जिन्होंने नहीं पढ़ी कोई बात नहीं, जिन्होंने पढ़ी है वो इस बात से अग्री करेगी। कॉस्टिंग में दो कॉन्सेप्ट हैं, एक डायरेक्ट कॉस्ट और एक इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो अगर आपके जहनों में वो है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर भी दरअसल डायरेक्ट कॉस्ट का काम कर रहा है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है इनडायरेक्ट कॉस्ट का काम कर रहा है। डायरेक्ट कॉस्ट भी क्या होती थी, चाहे वो डायरेक्ट मटेरियल हो या डायरेक्ट लेबर हो, वो साल के बाद भी हमारे पास शो होती थी, जबकि जो इनडायरेक्ट कॉस्ट थी यानी कि FOH, वो साल के अंदर अंदर ही इस्तेमाल होकर ख़त्म हो जाती थी। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर भी दरअसल क्या कर रहा है? डायरेक्ट कॉस्ट का काम कर रहा है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इनडायरेक्ट कॉस्ट का काम कर रहा है। मैं आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन दिखा देता हूं। जैसा कि आपके पास कैपिटल एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन दिख रही है, वही बात जो मैंने पहले कही वही आपको डेफिनेशन में दिख रही है, कि मटीरियल कॉस्ट होती है कैपिटल एक्सपेंडिचर, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन में क्या आप पढ़ेंगे? इमटीरियल कॉस्ट होती है। इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिए, फिर हम कंटिन्यू। उम्मीद है आपने डेफिनेशन को बहुत गौर से पढ़ लिया होगा। अब हम आगे चलते हैं, हम उनका जिक्र करने लगे जो कैपिटल एक्सपेंडिचर में शामिल होते हैं। हमने थोड़ा बहुत जिक्र किया, नाम लिया, कैश पेड टू सप्लायर, इंपोर्ट ड्यूटीज, इंस्टॉलेशन, ट्रांसपोर्टेशन, लेकिन एक लिस्ट प्रिपेयर कर लेते हैं ताकि स्टूडेंट को ज़्यादा मुश्किल ना हो। आइए वो लिस्ट बनाते हैं। सबसे पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर की, ये मैं मिटा देता हूँ।
कैपिटल एक्सपेंडिचर में कैश पेड टू सप्लायर, इंस्टॉलेशन चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांजिट इंश्योरेंस, वो इंश्योरेंस जो इंपोर्ट करते हुए की जाए, चाहे वो एयर रूट्स के हवाले से हो, चाहे वो सी रूट के हवाले से हो, वो क्या कहलाती है? ट्रांजिट इंश्योरेंस। वो ज़रूरी है, उसके बगैर गुजारा नहीं है। मटीरियल कॉस्ट, उसी तरह कस्टम ड्यूटी, उसी तरह सेल्स टैक्स। तो ये मोटी मोटी कॉस्ट है जो कैपिटल एक्सपेंडिचर में शामिल होती है, कैश पेड टू सप्लायर, इंस्टॉलेशन चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांजिट इंश्योरेंस, कस्टम ड्यूटी और सेल्स टैक्स। तो ये तमाम खर्चे हैं जो मटेरियल कॉस्ट है, वो खर्चे हैं जो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाते हैं, वो खर्चे हैं जो असेट की कॉस्ट में शामिल होंगे। उसी तरह कुछ हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की भी लिस्ट नोट डाउन कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की हमने लिस्ट नोट डाउन की कर ली। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, फायर इंश्योरेंस, चालान चार्जेस, इंटरेस्ट एक्सपेंस। रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक इमटीरियल कॉस्ट है, हम शामिल नहीं करेंगे। फायर इंश्योरेंस हम उसको भी शामिल नहीं करेंगे। हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर में ट्रांजिट इंश्योरेंस का जिक्र किया है मेरे दोस्तों। ट्रांजिट इंश्योरेंस एक मटीरियल कॉस्ट है, एक इम्पॉर्टेंट कॉस्ट है, उसके बगैर गुजारा नहीं हो सकता। जबकि उसके अलावा कोई और इंश्योरेंस हो, उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कैटेगराइज करते हैं। चालान चार्जेस और इंटरेस्ट एक्सपेंस, आपने असेट खरीदते हुए बैंक से लोन लिया, उस पर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो ये इंटरेस्ट पे असेट की कॉस्ट के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो आप अपनी ज़ात के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि आपने बोरो किया है, इस वजह से इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। अगर आप बोरो ना करते तो आपको पे ना करना पड़ता, ये ज़रूरी नहीं थी, लेकिन आपको पे करना पड़ गया। तो किस में हम कंसीडर करेंगे, किस में फॉल करवाएंगे? हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में इसको फॉल करवाएंगे। तो अब हम अपना असल चीज़ स्टार्ट करते हैं, जो कि है कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ असेट। हम असेट को कंप्यूट किस तरह करें, हम असेट को कैलकुलेट किस तरह करें। तो बगैर किसी देर किए हम उस तरफ चलते हैं। अच्छा जी मेरे दोस्तों, कंप्यूटेशन कॉस्ट ऑफ एसेट, हम एसेट को कंप्यूट किस तरह करेंगे, कैलकुलेट किस तरह करेंगे। तो एक हम सवाल सपोज कर रहे हैं, एक फर्जी सवाल है, हम बस चेक कर रहे हैं, हम बस मालूम करना चाह रहे हैं कि हम एसेट को कैलकुलेट किस तरह करेंगे, हम एसेट को कंप्यूट किस तरह करेंगे। तो ये जो मेरी कंप्यूटेशन है वो सिर्फ और सिर्फ एक फर्जी है, एक सपोजिशन है, उसके अलावा कुछ नहीं। हम सबसे पहले लिखते हैं लिस्ट प्राइस। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है कि जब हम शॉप पर जाते हैं कोई असेट खरीदने के लिए, तो टैग्स लगे होते हैं असेट्स पर। मिसाल के तौर पर मैं फ्रिज लेने जाता हूँ, मैं ओवन खरीदने जाता हूँ, तो ओवन पे कोई 10,000, कोई 15,000, कोई फ्रिज 40,000, 50,000, 60,000 लिस्ट प्राइस होती है, टैग लगे होते हैं। तो मुझे भी एक असेट पसंद आ गया, तो उसकी लिस्ट प्राइस में कीमत थी सपोज 100,000। कितनी थी? 100,000। जब टैग लगा होता है हम उस कीमत पर अग्री नहीं करते नॉर्मली। हम बार्गेनिंग करते हैं, भेदभाव करते हैं कि यार इतने का नहीं है, इतने का होना चाहिए।
1 लाख का नहीं होना चाहिए, 99,000 का होना चाहिए, 99,000 का होना चाहिए, 98,000 का होना चाहिए। हम बार्गेनिंग करते हैं, हम डिस्काउंट मांगते हैं। तो एट द पॉइंट ऑफ सेल खरीदते हुए जो डिस्काउंट मिले, अकाउंटिंग उसको कहती है ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट को हम माइनस कर देते हैं मिसाल के तौर पर 2,000, 2,000, तो हमने माइनस कर दिया 98,000। लिस्ट प्राइस से जब ट्रेड डिस्काउंट माइनस हो जाता है तो हम उसको कहते हैं बिल या फिर इनवॉइस। तो हमारी बिल जो बना, हमारा जो इनवॉइस बनी वो 98,000 की बनी। ठीक, हम सपोज करते हैं कि हमने जो ये एसेट खरीदा है वो उधार पर खरीदा है। तो जब भी हम उधार पर चीज खरीदते हैं तो जो हमारा सप्लायर होता है वो हमें कुछ ऑफर्स देता है। ऑफर्स क्या कहलाती हैं? कहलाती हैं वो क्रेडिट टर्म्स। क्या कहलाती मेरे दोस्तों? क्रेडिट टर्म्स कहलाती। क्या मतलब? 2/10 n/30, यानी कि 30 दिन के अंदर तो आपने पे करना ही करना है, लेकिन अगर आप 10 दिन के अंदर पे कर दो तो आपको 2% डिस्काउंट मिल जाएगा। ये क्या कहलाता है मेरे दोस्तों? ये क्रेडिट टर्म्स कहलाती है। ये टर्म्स चेंज भी हो सकती हैं, ये 45 डेज भी हो सकते हैं, ये 15 डेज भी हो सकते हैं, 3% भी हो सकता है, इससे कोई फिक्स नहीं है। ये क्या कहलाती है मेरे दोस्तों? ये क्रेडिट टर्म्स कहलाती है। तो उसी तरह हमारे सप्लायर ने हमें क्रेडिट टर्म्स दी कि भाई 30 दिन के अंदर तो तुमने पे करना ही करना है, लेकिन अगर 10 दिन के अंदर पे कर दो तो मैं तुम्हें 2% डिस्काउंट दे दूंगा, तुम्हें पूरे 98,000 देने की ज़रूरत नहीं होगी। तो हमने क्या किया, इस अपॉर्चुनिटी का अवेल किया और हमने 10 दिन के अंदर ही पे कर दिया, तो हमने ये डिस्काउंट अवेल कर लिया। तो इस डिस्काउंट को हम कहते हैं मेरे दोस्तों कैश डिस्काउंट। तो हम क्या करेंगे, 98,000 का निकाल लेंगे 2%। तो जब 98,000 का 2% निकालते हैं तो वो निकलता है 1960। तो वो निकलता है 1960। तो हम 98,000 से 1960 को माइनस कर देंगे। तो जब माइनस कर देंगे तो वो अमाउंट कहलाती है नेट कैश प्राइस ऑफ एसेट। तो 98,000 से जब हम 1960 निकालते हैं तो बचता है 96,040। ठीक, फिर जो हमने सेल्स टैक्स पे किया होता है, और सेल्स टैक्स मेरे दोस्तों क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम क्या करते हैं? एसेट की कॉस्ट में शामिल करते हैं, इंक्लूड करते हैं, यानी कि प्लस करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे GST, यानी कि जनरल सेल्स टैक्स, जितना भी होगा, मिसाल के तौर पर 1,000, तो हम ऐड कर देंगे। तो जब हम ऐड कर देंगे तो अमाउंट हो जाएगा 97,040। सही है मेरे दोस्तों? तो ये कहलाता है हमारा कैश पेड टू
सप्लायर। इसके बाद हम क्या करते हैं, और जितने भी कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हैं, इंस्टॉलेशन चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, जितने भी क्वेश्चन में गिवन हो, उन तमाम को हेडिंग डाल के हम ऐड कर देते हैं। अगर हेडिंग डाल के ना भी ऐड करें तो इतना फर्क नहीं पड़ता प्रेजेंटेशन में। तो हम कैपिटल एक्सपेंडिचर को ऐड करके, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन सपोज और इंस्टॉलेशन चार्जेस, इसको हम लिखेंगे इस तरह, ट्रांसपोर्टेशन 1500 और इंस्टॉलेशन 2000। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे जो कि बनेगा 3500। इस अमाउंट को हम कैश पेड टू सप्लायर की अमाउंट में ऐड कर देंगे। तो जब हम ऐड कर देंगे तो वो कहलाता है कॉस्ट ऑफ एसेट। तो हम ऐड करेंगे तो ये अमाउंट बन जाएगा तकरीबन 100540। तो ये कंप्यूटेशन कहलाती है कॉस्ट ऑफ एसेट की। तो उम्मीद है कि आपको एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट चीज़ इस टॉपिक के हवाले से, जो कि डेप्रिसिएशन चल रहा है, समझ आई होगी।